Social mobility. Another very interesting topic that was discussed by Lipset that is the concept of social mobility. Social mobility is basically refers to the shift in an individual's social status from one status to another. And the shift can either be higher, lower, intergenerational. और इंट्रा जनरेशनल एंड इट कैन नॉट नाट बी डिटर्मेंट इफ़ द चेंज इज़ फॉर फॉरवर्ड और बैड अब चूँकि लिपसेट की जो बुनियादी फिलासफी है उसके ये उसकी जो लॉजिक या रीज़न है वो वो ह्यूमन लाइफ और उसका इंटरेक्शन है सोसाइटी तो के साथ और ख़ास तौर पर सोशल बेसिस को चूँकि हाई किया है तो अब जो हर इंडिविजल है जब उसकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें सोशल बेस के तौर पर रोल प्ले करती हैं जिसमें उसका प्रेजेंट स्टेटस आता है और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने स्टेटस को चेंज करे अब जब वो स्टेटस को चेंज करने की ख्वाहिश करता है हर इंसान किसी भी माशरे में हो किसी भी जगह पर हो तो उसमें बुनियादी उसका जो मकसद होता है वो ये है कि वो अपने स्टेटस को चेंज करे विद एन अदर स्टेटस अब इस कोशिश के अंदर बाज़ोकात ये तब्दीली जो है ये बेहतरी की तरफ भी चली जाती है लेकिन बसा अवात जो है वो तब्दीली वो एफर्ट जो है, वो ये भी हो सकता है कि वो बेहतरी के बजाय वो उस इंसान को नीचे की तरफ़ ले जाए मसलन किसी ने कोशिश की कोई कारोबार किया बिज़नेस किया वो बिज़नेस जो है वो कोशिश या प्लान तो ये था कि स्टेटस इम्प्रूव हो जाएगा लेकिन वो स्टेटस इम्प्रूव होने की बजाय पैसा जो है वो कारोबार ठप हो गया और ह्यूमन लाइफ जो है उसका डाउनफॉल हो गया और वो इंडिविजुअल की सारी एफर्ट जो थी वो फेल हो गई अब इसी तरीके से जो लिपसेट की फ़िलासफी के अंदर जो सोशल मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है दैट द शिफ्ट कैन बी हायर समाइम्स लोअर समाइम्स इंटर जेनरेशनल और इंटरा जेनरेशनल अब कई दफ़ा लोग जब अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने की एफ़र्ट करते हैं तो ये भी हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल की वजह से उसकी पूरी फैमिली का स्टेटस इम्प्रूव हो जाए मसल कोई एक इंसान अपने लिए एफर्ट करता है और वो एफर्ट इतनी फ्रूटफुल होती है कि उसका इम्पेक्ट ये है कि उसकी पूरी जो फैमिली उसकी पूरी जनरेशन जो है वो सबके सबका स्टेटस इम्प्रूव हो सकता है लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल की जो एफ़र्ट है वो सिर्फ उस तक लिमिटेड रहती है वो क्यों होता है आमतौर पर कई दफ़ा कई लोग कट ऑफ हो जाते हैं अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर लें तो वो नहीं चाहते कि किसी को ये आइडिया हो कि उनका उनकी फैमिली का लिंक जो था वो किस क्लास से था क्योंकि सोशल मोबिलिटी डेफिनेटली इज़ लिंक्ड विद द क्लास सिस्टम और लिपसेट ने जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को हाई किया तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर जिस इम्पॉर्टेंट इशू पर डिबेट है दैट इज़ दैट हाओ द क्लासेज आर क्रिएटेड हाओ द क्लासेज ऑपरेट एंड हाउ द इंडिविजुअल ट्राई टू चेंज देअर क्लास और सोशल मोबिलिटी एक फैक्टर होता है टू चेंज द क्लास और उसके अंदर बाज़ात अगर किसी एक इंडिविजुअल की एफ़र्ट फ्रूटफुल हो जाती है लेकिन उस इंडिविजुअल की एफर्ट की वजह से उसकी फैमिली का स्टेटस इम्प्रूव नहीं होता क्योंकि वो इंडिविजुअल उस सक्सेस को उस एफर्ट को उस गेन को लिमिटेड रखना चाहता है अपनी ज़ात पर तो फिर वो क्लास सिस्टम जो है उसके अंदर एक और डिवीजन क्रिएट होती है और क्लिविज़ की लाइन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जा हो जाती है एंड समाइम्स डेफिनेटली सोशल मोबिलिटी कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट एंड समाइम्स इट कैन इन्फ्लुएंस नेगेटिवली और फिर लिपसेट हैज़ द पर्सपेक्टिव दैट सोशल मोबिलिटी हैज़ वेरियस इम्प्लीकेशंस अब लिपसेट ने जो इम्प्लीकेशंस की बात की है उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो लिपसेट ने हाईलाइट किया दैट इज़ द इम्प्लीकेशनज ऑन द सोशल लाइफ दैन इम्प्लीकेशनज ऑन द पोलिटिकल बिलीव्स एंड एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एंड आई थिंक द फेवरेट इशू ऑफ लिपसट दैट इज़ द पोलिटिकल बिहेवियर क्योंकि सोशल मोबिलिटी का जो आउटकम है उसके इम्प्लीकेशनस में सबसे पहले किसी भी इंसान की सोशल लाइफ जो है उस वो असरअाज़ होती है मसन एक इंसान जो है वो अपनी एफ़र्ट के नतीजे के तौर पर किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उस मूवमेंट के नतीजे में जो इनवायरमेंट चेंज होता है जो सोशल रियालिटीज़ चेंज होती हैं अब वो इंडिविजुअल उन सोशल रियलिटीज के साथ को ऑप कैसे करेगा क्या वो रियलिटीज उसके बिहेवियर को तो नहीं इन्फ्लुएंस करेंगी ये भी तो हो सकता है कि नई हार्ड रियलिटीज़ उसके पुराने दौर से उसकी ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल बना दें तो जो सोशल लाइफ है जब आप एक क्लास में मूव करते हैं तो यू बिकम यूज़ टू ऑफ दैट स्पेसिफिक ट्रेंड्स ऑफ दैट क्लास बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द क्लास दैन डेफिनेटली यू हैव टू ऑप्टू रियाल्टीज न्यू चेंजेस एंड न्यू डिमांड्स उन डिमांड्स को ऑप्ट करते हुए बाज़ात इंसानी रवैया या इंसानी ज़िंदगी मुश्किल का शिकार हो जाती है इन सारी मुश्किल को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिपसट ने अपनी तहरीरों के अंदर मौजू बहस बनाया है फिर पोलिटिकल बिलिफ्स जो हैं अब सोशल मोबिलिटी के साथ साथ इंसानों के पॉलिटिकल बिलीव्स भी अंडर इन्फ्लुएंस आते हैं मसलन मतलब एक वक्त में अगर इंसानों के पास कम पैसा था और फिर पैसा ज़्यादा आ गया उसकी बुनियाद पर अगर आपके पॉलिटिकल बिलीव्स चेंज हो जाएं, या अगर एक वक्त में एफिलिएशन किसी एक क्लास के साथ थी वो क्लास जब आपकी क्लास चेंज हुई तो अब आप चाहते हैं कि आपकी लॉयल्टीज़ आपकी पसंद नापसंद आपकी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाएं तो ये सारे का सारा इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर को अंडर इन्फ्लुएंस ले आता है फिर डेफिनेटली जो इंसानी रवैया होता है उसकी बुनियाद जहाँ सोशल रियलिटीज़ पर बेस बनती हैं वहाँ उसकी इकनॉमिक रियलिटीज़ भी उसके पॉलिटिकल बिहेवियर को डिटरमिन करती है और पॉलिटिकल बिहेवियर सम टाइम्स एक्चुअली रिफ्लैक्ट्स योर सोशल इकनॉमिक स्टेटस एंड सोशल मोबिलिटी Basically, everyone desires to improve uh, the present status towards the new one, then definitely the change in the status or change in the position that again actually uh, uh, influence the political behavior not only in the ev everyone's case, but majority has the trend to change the political behavior under the prevailing circumstances or under the privileged status.